हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 टिश्यूज एंड द टॉपिक नेम इज मस्कुलर टिश्यूज। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। जो मस्कुलर टिश्यू की सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड होती है, लंबी लंबी सेल्स होती हैं जो कि जिनको हम मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। और ये टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है, चाहे हम कुछ कोई भी मूवमेंट करते हैं तो मस्कुलर टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो उस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है। देन मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। और जो मसल सेल्स होती हैं इनमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से ही जो मसल टिश्यू की सेल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं और हमारी बॉडी में मूवमेंट होते हैं, चाहे हम कहीं पर चल के जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, किसी से अपने हाथों को हिला रहे हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है? मसल सेल्स में। ठीक है। देन कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। कई मसल्स ऐसी होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से मूव करवाते हैं, जब हम अपने माइंड में लेकर आते हैं कि हमने ये मूवमेंट करनी है तभी वो मसल्स मूव करती हैं। जैसे मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। क्या है, जैसे हमारे लेग्स हैं या फिर हमारे आर्म्स हैं, जब हम सोचते हैं, हम कुछ भी डिसाइड करते हैं कि हमने यहाँ से वहाँ जाना, हमने मार्केट जाना, हमने स्कूल जाना, कॉलेज जाना, बस से जाना, स्कूटी से जाना, कोई भी मूवमेंट है वो तभी होती है जब हम डिसाइड करते हैं। और वो मूवमेंट स्टॉप कब होगी? जब ये भी हम डिसाइड करेंगे तभी वो स्टॉप होती है। देन सच मसल्स आर नोन एज वॉलेंट्री मसल्स। तो इस तरह की जो मसल्स होते हैं इनको हम क्या कहेंगे? वॉलेंट्री मसल्स। देन दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। और इन मसल्स को हम और क्या नाम कहेंगे? स्केलेटल मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स आर आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स। इनको स्केलेटल मसल्स क्यों कहेंगे? क्योंकि ये मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच होती हैं और ये किस में हेल्प करती हैं? इन द बॉडी मूवमेंट, हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या, और दूसरा नाम क्या है? स्केलेटल मसल्स। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रिएशंस व्हेन स्ट्रेन्ड अप्रोप्रिएटली। क्या है, जब हम इनको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो ये मसल्स क्या शो करती? अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। इन मसल्स में लाइट एंड डार्क बैंड्स शो होते हैं जब हम इनको स्ट्रेन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम इनको देखते हैं। ठीक है। जैसे ये हैं आपकी लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट हैं, ये आपका डार्क बैंड हो गया, ये आपका लाइट बैंड हो गया, लाइट बैंड हो गया, ये आपका फिर डार्क बैंड हो गया, ये लाइट बैंड हो गया। ठीक है। देन एज ए रिजल्ट दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। तो इन मसल्स का क्या क्या नाम हो गया? आपका स्ट्रिएटेड मसल्स हो गया, ठीक है, आपका स्केलेटल मसल्स हो गया और वॉलेंट्री मसल्स हो गया। तीन नाम हो गए आपके, वॉलेंट्री मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या है, इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं ये लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच होती हैं। लंबी लंबी सेल्स होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं और अनब्रांच होती हैं, और साथ के साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। जैसे क्या है, लंबी लंबी सेल्स हैं आपकी, जैसे ये सेल आपकी लंबी लंबी सेल्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं ये आपकी, ठीक है, और क्या थी आपकी ये, और क्या है आपकी, सिलेंड्रिकल हैं और अनब्रांच हैं, मीन्स इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक सेल है आपकी, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है आपकी, ठीक है, अनब्रांच है और सिलेंड्रिकल इन शेप है। ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स,
The movement of the food in the alimentary canal or contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movement. कुछ मूवमेंट हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि जैसे फूड की मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में जैसे जब हम फूड खाते हैं, ये तो नहीं कि जब हम उसको बोलेंगे तभी वो आगे मूव करेगा, ठीक, ऐसा तो नहीं है। जैसे जैसे हम खाते हैं तो वो अनगल्फ करने के बाद अपने आप उसकी मूवमेंट होती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वेटिंग टू डू सो, क्या है बाय वांटिंग टू डू सो, क्या है कि ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है उन एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना हम उनको कमांड कर सकते हैं। जैसे हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता रहता है कॉन्टिन्यूसली ब्लड वेसल्स में, तो उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट, तो इन मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, स्मूथ मसल्स, ठीक है, जो स्मूथ मसल्स हैं वो कंट्रोल करती हैं, और इनको इनका दूसरा नाम क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। इनवॉलेंट्री मीन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, दीज मसल्स आर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल, दे आर आल्सो फाउंड इन द आयरिस ऑफ द आई, और ये कहाँ पर मिलेंगी, जो हमारी आईज की आयरिस हैं, जैसे हमारी जो आईज हैं वो अपने आप ब्लिंक करती रहती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती ना, जैसे अब जब हम एक दूसरे को कई बार ये होता है कि एक टास्क दे देते हैं कि आपने आंखें नहीं झपकानी है, लेकिन क्योंकि जो हमारी आंखें झपकना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इन द यूट्रस एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, यूट्रस में भी इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, लंग्स का जो ब्रोंकाई है उसमें भी इनवॉलेंट्री एक्शंस इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पर कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो आपकी ऑक्सीजन है वो ब्लड में एंटर करती है, और ब्लड में जो भी हार्मफुल गैसेस होते हैं जैसे CO2 गैस है वो ब्रोंकाई में आ जाती है, वो वहाँ पर जो एक्शन होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हम ये नहीं कहेंगे ना कि जो ऑक्सीजन है वो जब हम चाहेंगे वो ब्लड में जाए और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्रोंकाई में आए, ऐसा हम हमारे कंट्रोल में एक्शन नहीं है, ठीक है। देन द सेल्स ऑफ दीज मसल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, स्टिम्बल स्पिंडल शेप होती है, जो इनवॉलेंट्री मसल्स की सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती है, लंबी लंबी सेल्स होती हैं, और पॉइंटेड एंड्स, उसके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, एंड यूनि न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल्स, और इनको हम अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें डार्क और जो लाइट बैंड्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे वॉलंटरी मसल्स में प्रेजेंट थे, इन टिश्यूज में, इन टिश्यू की सेल्स में जो इन वॉलंटरी टिश्यू है इनकी सेल्स में लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इनको अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये है, ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, ये स्पिंडल शेप सेल होगी आपकी, पॉइंटेड एंड्स हो गए, सिंगल न्यूक्लिएटेड हो गया, ठीक है, और लाइट एंड डार्क बैंड कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है कि कोई भी लाइट बैंड है या फिर डार्क बैंड है, ठीक है। देन थर्ड टाइप ऑफ मसल्स आर कार्डियक मसल्स, द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ, जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो थ्रू आउट द लाइफ मीन्स पूरी लाइफ बिना रुके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है उसमें, और ये जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, कार्डियक मसल्स। द हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड एंड यूनि न्यूक्लियर, जो हार्ट मसल्स हैं, जो कार्डियक मसल्स हैं वो क्या है, सिलेंड्रिकल शेप होती हैं आपकी, ब्रांचिंग होती है इनमें, और यूनि न्यूक्लिएटेड होती है। जैसे आप देखो, जैसे
आपके ये जो सेल्स हैं इनमें ब्रांचिंग है, जैसे ये एक सेल होगी ठीक है, इसमें फिर ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसमें ये इसके साथ कनेक्ट है ठीक है, तो ये ब्रांचिंग है इसमें, तो ये क्या है, और साथ के साथ ये एक सेल होगी आपकी, इसमें ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया ठीक है, ये इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, यहाँ पर एक सेल जो सेल है ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है ठीक है, ब्रांचिंग है, यूनिन्यूक्लिएटेड है ठीक है। Students, if you like my videos, please like, share and subscribe and give me good comments also. Thank you so much for watching my videos. Thank you so much.